अच्छा, दिस मॉस्क इज नोन एज बाछे मॉस्क। ये छठे मुगल किंग औरंगजेब ने 1674 में इस मस्जिद को बनाया और ये तकरीबन 3.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई है और 1 लाख कहा जाता है नमाजी जो है नमाज अदा कर सकते। 5 लाख रुपए की लागत से ज़माने में मस्जिद को बनाया गया। तो इसके मीनारों की हाइट है 54 मीटर, हाई मिनोरेट है और 9 डिग्री ये टिल्ट है बाहर की तरफ। अगर अर्थ क्यों कहता है ये बाहर डायरेक्शन में गिरेंगे, अंदर वाले डायरेक्शन में नहीं गिरेंगे। और दोनों तरफ में आर्चेज हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए होती थी, कुरान की फिका की हदीस की तलीम लेने आते थे, यहाँ पे रहते थे। इन दैट टाइम इट वॉज लाइक ए मदरसा। आई प्लीज रिलीजियस इन दैट टाइम ही डिड ऑर्डर द लेबर पर्सन, अगर वो मस्जिद को बनाना चाहते अपनी दुकान पर कुरान करीम की याद को जारी रखें, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कांट बिल्ड दिस मॉस्क। और इसने अपने बाप शाहजहां को अंधा भी किया था और अपने बाप शाहजहां को 7 साल कैद खाने में भी रखा है। और इसने औरंगजेब ने जो किला से लेके मियां मीर के दरबार तक एक रेड कारपेट इसका बिछाना चाहता था इस रेड सैंडस्टोन का, जब इसने अपने भाई को कत्ल करवा दिया बच्चों के साथ तो लोग इस पर उंगलियां लगाए, इसने खुदा का घर बना दिया। कहा जाता है कि शाही खजाने से पैसे भी नहीं खर्च करता था, इस्लामी टोपियाँ बनाता था, उसे गुजर बसर करता था। और इसने भी 49 ईयर्स यानी कि हाफ सेंचुरी इसने भी बरस लिए थे। इसके बाद मुगल बॉर्डर डिक्लाइन इस पर जवार आना शुरू हुआ और सिख पीरियड में अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। सिखों के बाद जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने ये दोनों दीवारों को तोड़ा, तो कहने देखी थी ना जो मस्जिद की तरफ नजर नहीं आता था इसलिए तोड़ा, इन दीवारों को तोड़ा। फिर 1939 में दोबारा रिबिल्ड किया गया इन दीवारों। आई प्लीज एक्चुअली दिस यूज़ टू बी अ ब्रो हाउस। ये सारे ये पहले वजू खाना था, अब वजू खाना वहाँ दीवारों के पीछे है। दिल्ली के जो जामिया मस्जिद इसके बाप शाहजहां ने बनाई थी, ये औरंगजेब ने बनाई है। सेम इस तरह का ही आर्किटेक्चर इसी के इसी पैटर्न पे बनी हुई, वो पहले बनी थी, ये बाद में इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बनी हुई है। इनके पास ये सारा मिक्सचर है, ये टाउन के अंदर नेचुरल एक्विस्टिक सिस्टम है। एक आवाज़ ट्रैवल होती है या नेचुरल इको सिस्टम है, एक जगह जान होती है पूरी मस्जिद में आवाज़ ट्रैवल करती है। Yeah.
का मकबरा है मगर नज़र नहीं आ रहा। यह अल्लामा इकबाल का शायर मशरक़ का इसी अहाते में दफन है उनका यह मकबरा है। तकरीबन 13 इयर्स में कंप्लीट हुआ है। ईरान गवर्नमेंट ने बड़ी फंडिंग की इसको बनाने में। ईरान ने क्यों की? आजकल भी आज भी इलामा इकबाल इकबाल गोरी के नाम से याद किया जाता है। फारसी में इनकी बहुत ज्यादा खिदमत है। 15 इयर्स में बना है।